कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे मेजर एलिमेंट्स या फिर ट्रेस एलिमेंट्स या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर एलिमेंट्स की रेशियो, इनको हम लोग बाय वेरियंट डायग्राम के ऊपर कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बाय वेरियंट इनका प्लॉट कर सकते हैं। ये बाय वेरियंट डायग्राम क्या है? बाय वेरियंट डायग्राम के अंदर क्या होता है कि कोई भी दो पैरामीटर को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के अंदर और एक वाई एक्सिस के अंदर। पर यदि हार्कर डायग्राम क्या है? हार्कर डायग्राम है बेसिकली बाय वेरियंट डायग्राम। होता क्या है, हार्कर साहब ने बताया कि जो हम अलग अलग जो मेजर ऑक्साइड्स हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होगी, आयरन ऑक्साइड्स होगी, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, इनको उन्होंने जब ये क्रिस्टलाइज्ड आउट हो रही थी, अलग अलग मिनरल्स में जाके इनके मिनरल्स बन रहे थे, तो इन्होंने इस ट्रेंड को अपने बायवेरिएंट डायग्राम के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश की और कंपेयर किससे किया? सिलिका से। और सिलिका को रखा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा सिलिका है SiO2 और दूसरी तरफ अपने ऑक्साइड्स हैं, मेजर ऑक्साइड्स हैं, उनका ट्रेंड नोटिस किया कि वो मैग्मा से, मतलब जैसे जैसे अपना मैग्मा इवॉल्व होता जा रहा है, वैसे वैसे टाइम के साथ साथ उन ऑक्साइड्स की कंसेंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि यार कौन सा पहले क्रिस्टलाइज्ड आउट हो गया, फिर फ्रैक्शनेट आउट हो गया मिनरल, और कौन सा उसके अंदर ही है। और कंपेयर सिलिका से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार सिलिका सबसे लेट क्रिस्टलाइजिंग मिनरल में आता है। हमने पढ़ा था बोन रिएक्शन सीरीज के अंदर कि जो सिलिका है सबसे लेट क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज के अंदर, फेल्डस्पार के अंदर, याद करो भाई, उसके अंदर हमने किया था कि सिलिका सबसे लेट था, कि यार जो सबसे लेट में है उसके साथ कंपेयर कर पा रहे कि मैग्मा सबसे लेट, कि मैग्मा के अंदर सबसे लेट मिनरल कौन सा पड़ा है, ताकि जो इनिशियली जो निकल रहे हैं या टाइम के साथ साथ जो निकल रहे हैं मिनरल क्रिस्टलाइज्ड आउट हो रहे हैं, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। यार स्मूथ ट्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यार जो हमारे पास ग्राफ बनेंगे हार्कर साहब के अकॉर्डिंग, जो ग्राफ बनेंगे वो कोई ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, या तो वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों भी हो सकते हैं। यार ये प्राइमरी मैग्मा क्या है? प्राइमरी मैग्मा इज दैट मैग्मा विच इज डायरेक्टली डिराइव्ड बाय पार्शियल मेल्टिंग ऑफ सम सोर्स। अगर सोर्स मेंशन नहीं है तो हम लोग मेंटल अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो मेंटल की पार्शियल मेल्टिंग हो गई और उससे जो मैग्मा है वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी मैग्मा होगा। मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, बस यही मैग्मा जो भी पड़ा है अभी, ये क्या है? प्राइमरी मैग्मा। और भाई कई बार क्या होता है, जो प्राइमरी मैग्मा है या फिर किसी मैग्मा के अंदर अगर केमिकल डिफरेंशिएशन हो जाए, कुछ मिनरल्स क्रिस्टलाइज्ड आउट हो जाए या फिर कुछ चेंजेस हो जाए किसी कारण से, तो जो मैग्मा हमारे पास होगा, अब कौन सा मैग्मा है वो, उस मैग्मा को बोलेंगे इवॉल्व्ड मैग्मा। इवॉल्व्ड मैग्मा अदर नेम क्या है? डेरिवेटिव मैग्मा। यार ये पेरेंटल मैग्मा क्या है? पेरेंटल मैग्मा कोरिस्पोंड टू द मोस्ट प्रिमिटिव रॉक फाउंड इन एनी एरिया। मतलब किसी एरिया के अंदर जो सबसे पुरानी रॉक है उसके कोरिस्पोंडेंस जो मैग्मा रहा होगा वो मैग्मा अपना पेरेंटल मैग्मा है। पेरेंटल मैग्मा और प्राइमरी मैग्मा में फर्क क्या है? प्राइमरी मैग्मा तो डायरेक्टली हमारा पार्शियल मेल्टिंग ऑफ मेंटल से बना है और उस टाइम पे वो पेरेंटल मैग्मा हो सकता है, लेकिन जो प्राइमरी मैग्मा है वो एक ही है, पेरेंटल मैग्मा चेंज हो सकता है। मतलब मान लो अपने पास ये मेंटल की मेल्टिंग होने के बाद अपने पास ये मैग्मा है, ठीक है, इसके अंदर हो गई पार्शियल मेल्टिंग हो गई, ठीक है। अब जो नया जो मिनरल्स कुछ निकल गए तो बाद में हमारे पास मान लो ये मैग्मा बचा होगा। अगर ये मैग्मा बचा होगा, अब ये क्या होगा, इससे मान लो कि जो बचा होगा सिरॉक बन गई, मान लो उसकी फिर से मेल्टिंग हो गई, और अगर उसकी फिर से मेल्टिंग हो गई अब ये क्या बन जाएगा? पेरेंटल मैग्मा। हालांकि यहां भी पेरेंटल मैग्मा था, लेकिन यहां पे ये प्राइमरी मैग्मा भी था। ठीक है साहब, अब मान लो इससे फिर से इसके अंदर केमिकल डिफरेंशिएशन होगी होगी, और जो नेक्स्ट टाइम जो रॉक बनेगी उसकी फिर से मेल्टिंग हो गई, अब वो क्या बन जाएगा? पेरेंटल मैग्मा। पेरेंटल मैग्मा चेंज हो सकता है, लेकिन प्राइमरी मैग्मा क्या अपना स्टार्टिंग वाला ही है जो मेंटल की पार्शियल मेल्टिंग से बनेगा। ठीक है साहब, और इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वर्ड है ये पेरेंटल, पेरेंट, तो पेरेंट की तरह जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, बाद में हम पेरेंट्स बन जाएं, उसके बाद हमारे नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट बन जाए, उसके बाद उसकी नेक्स्ट जनरेशन पेरेंट बन जाए, तो पेरेंटल मैग्मा चेंज, पेरेंट्स चेंज होते रहते हैं, ऐसे भी हम थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं।
लिक्विड वेरीज इन कॉम्पोजिशन, इस बात का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई मैग्मा है, ठीक है, उसके अंदर मिनरल्स का क्या हो रहा है, उसके अंदर मिनरल फॉर्मेशन हो रहा है एंड देन दीज मिनरल्स गेट क्रिस्टलाइज्ड आउट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके ऊपर पिछली वीडियोस के अंदर कि जब भी कोई मिनरल बन जाता है मैग्मा के अंदर और अगर वो अर्ली फॉर्मिंग है तो वो बाहर आ जाएगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, कि कुछ फ्रैक्शन के अंदर क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। ठीक है साहब, अब जब भी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होगी तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ मैग्मा है, जो रिमेनिंग मैग्मा है, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। ठीक है साहब, बस इसी बात का मतलब ये हो गया ना, लिक्विड वेरीज इन, ये लिक्विड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है कॉम्पोजिशन के अंदर, इस बात का मतलब यही हो गया। और यार काम की बात ये है कि जितना ज्यादा हमारा जो मैग्मा है पुराना होगा उतना ही उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा, या होना भी चाहिए क्योंकि वो लेट क्रिस्टलाइजिंग मिनरल में आता है जो सिलिका है क्वार्ट्ज वगैरह में। दोस्तों एक बार बोवन रिएक्शन सीरीज को भी देख लीजिए क्योंकि इसका भी हमें थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगर हम लोग ग्राफ को देखने की कोशिश करें तो हमें MgO और FeO का ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। किस किस का, MgO और FeO, FeO का ये ग्राफ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। क्या आप लोग सोच सकते हो कि क्यों? क्योंकि MgO और FeO अर्ली क्रिस्टलाइजिंग मिनरल के अंदर आ रहा है, जैसे हमने बोवन रिएक्शन सीरीज के अंदर पढ़ा था ओलिविन सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जब ओलिविन हमने पढ़ा था तो ओलिविन के अंदर होता है अपना मैग्नीशियम और आयरन, तो ये दोनों अगर स्टार्टिंग में ओलिविन के अंदर जाके क्रिस्टलाइज्ड आउट हो रहे हैं जिसको हम बोलते थे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, तो मींस इनकी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही होगी, तो इसीलिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग आना चाहिए और आ भी रहा है। अब दोस्तों अगर मैं सोडियम और पोटाशियम ऑक्साइड की बात करूं तो हमें इसका जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग शो हो रहा है। किस किस का, सोडियम ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड का जो ग्राफ, जो ट्रेंड है वो हमें इंक्रीजिंग शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, अगेन हमें हेल्प लेनी पड़ेगी बोवन रिएक्शन सीरीज की, जो हमने लास्ट में जो क्वार्ट्ज के पास फेल्डस्पार पड़ा था और फेल्डस्पार में भी स्पेसिफिक कर दू मैं, फेल्डस्पार में भी जो प्लेजियोक्लेज है वो लेट क्रिस्टलाइजिंग मिनरल है। तो लेट क्रिस्टलाइजिंग मिनरल है इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जो ये सोडियम और पोटाशियम एलिमेंट्स है वो यूज नहीं हो रहे, इसका मतलब ये लास्ट में यूज होंगे और तब तक इनकी कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होगी। तो इन शॉर्ट जो सोडियम और पोटाशियम है वो फेल्डस्पार के अंदर जा रहे हैं और फेल्डस्पार लेट क्रिस्टलाइजिंग लेट फेज के अंदर होता है ये, इट मींस फेल्डस्पार के अंदर प्लेजियोक्लेज होता है और प्लेजियोक्लेज में अंदर भी और भी स्पेसिफिक कर दो तो एल्कली फेल्डस्पार, और यार सोडियम पोटाशियम दोनों एल्कलीज तो होते हैं, एल्कली मेटल्स ग्रुप वन के अंदर आते हैं। दोस्तों अब कहानी थोड़ी सी दिलचस्प होने वाली है। एल्यूमिनियम का ट्रेंड फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू सिलिका, इसका मतलब क्या है कि शुरू में कुछ ऐसे मिनरल्स क्रिस्टलाइज हो रहे होंगे जो एल्यूमिनियम को नहीं ले रहे, लेकिन बाद में कुछ मिनरल्स बने होंगे जिन्होंने एल्यूमिनियम को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए डिक्रीजिंग ट्रेंड आया बाद में। ठीक है साहब, अब जैसे कि पता है हमें कि एल्यूमिनियम किसके अंदर जाता है, फेल्डस्पार के अंदर, फेल्डस्पार में कोई भी फेल्डस्पार ले लो उसके अंदर एल्यूमिनियम तो होता ही है, ठीक है, प्लेजियोक्लेज के अंदर जैसे, तो एल्यूमिनियम फेल्डस्पार में जाता है। और जैसे कि अगर हम लोग कैल्शियम के ग्राफ को देखें वो भी MgO और FeO की तरह डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, तो मैंने इसी में लिख दिया कि कैल्शियम का है,
और कैल्शियम किस में जाता है? फेल्डस्पार के अंदर। कैल्शियम रिच फेल्डस्पार को बोलते हैं एनोर्थाइट। अगर कैल्शियम फेल्डस्पार में जा रहा है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है, लेकिन यार जो फेल्डस्पार है वो तो लेट क्रिस्टलाइजिंग है, तो स्टार्टिंग में कैल्शियम फेल्डस्पार में जा ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसी कहानी हो रही है कि जो स्टार्टिंग में कोई ऐसा मिनरल है जो इनिशियली कैल्शियम को कंज्यूम कर रहा है लेकिन वो फेल्डस्पार नहीं है। तो दोस्तों, डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कैल्शियम इज ड्यू टू द मिनरल पाइरोक्सेन। या फिर और स्पेसिफिक, क्लाइनो पाइरोक्सेन। ठीक है सर, क्लाइनो पाइरोक्सेन इसकी वजह से। मतलब इनिशियली क्लाइनो पाइरोक्सेन कैल्शियम को कंज्यूम कर रहा है, बाद में फेल्डस्पार कर रहा है, नो डाउट, इसलिए कैल्शियम का ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग। और दोस्तों, अगर बात करें TiO2 जो ग्राफ है हमारे पास, TiO2, तो जो टाइटेनियम जो एलिमेंट है वो हमारा जा रहा है टाइटनाइट मिनरल के अंदर और एल्यूमिनाइट के अंदर। किसके अंदर जा रहा है ये? टाइटनाइट के अंदर जा रहा है। तो इसका भी ग्राफ क्या है? डिक्रीजिंग ही है। ठीक है सर, ये अगर बात करें P2O5 की, तो इसका ग्राफ सेम है Al2O3 के जैसे, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। जो फॉस्फरस है हमारा एक ट्रेस एलिमेंट है, पहले ये इतना सैचुरेटेड नहीं हुआ इसलिए इसका स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग आ रहा है। ट्रेस एलिमेंट है मतलब कंसेंट्रेशन कम है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे सिलिका बढ़ रहा है वैसे वैसे, मतलब जैसे टाइम चल रहा है वैसे इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन जब सैचुरेशन आया तो इसने मिनरल बनाना स्टार्ट कर दिया और मिनरल का नाम है एपेटाइट। ठीक है सर, और इसलिए उसने फिर बाद में डिक्रीजिंग शो करना। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी हेल्प कर पा रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।